अब खबरें विस्तार से। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,171 वोटों से जीत दर्ज कर ली है, जिसके बाद जीत की खुशियां मनाने नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, सभापति कृष्णा चंद्राकर सहित सारे पार्षदगण भिलाई 3 पद्म नगर स्थित सीएम हाउस पहुंचे और वहां पटाखे फोड़कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सुपुत्री स्मिता बघेल को मिठाई खिलाकर बधाइयां दी। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो विकास कार्य है उसमें मुहर लगा है। भारतीय जनता पार्टी को जो करारा शिकस्त मिला है छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये पांचवा उपचुनाव है जिसमें हम लोगों ने रिकॉर्ड बहुमत से जीत का श्रेय मुख्यमंत्री जी को जाता है, भानु प्रताप के कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने माननीय मनोज मंडावी जी को जो श्रद्धांजलि दिया है। मैं भानु प्रतापपुर की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2023 में फिर से छत्तीसगढ़ में हम लोग सरकार बनाएंगे। साथ ही साथ माननीय राहुल जी और सोनिया जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को हिमाचल प्रदेश का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया था और हिमाचल प्रदेश का भी रिजल्ट आप सबके सामने है। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से वहां पर सरकार बनाने जा रही, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हम सब नगर निगम भिलाई चरोदा और छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं।